हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक आम का पेड़। इस वाले आम पर देसी खट्टी वाली जो अमियाँ होती है ना, वो आई हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे, मतलब तोड़वाएंगे, खुद नहीं तोड़ेंगे, फिर इनका अचार डालेंगे। अचार बनाते हैं। ये हमने ऐसी खटाई बनाई है, इसे ऐसी काट के और फिर इनको सुखा देना है, खटाई बन जाएगी। और ये हमने बनाया है हींग की अचारी, मतलब इसमें ये आम को ऐसे काटते हैं पतला पतला, फिर उसके अंदर हींग, मिर्ची, नमक, मसाला वसाला डाल के इसे हम धूप में रख देते हैं और कुछ दिन बाद ये अचार तैयार हो जाता है। इसकी खास बात है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसमें हींग का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इसमें हमने देसी वाली हींग डाली है। और दूसरी तरफ हमने ये सनोटी वाला, तेल वाला जो अचार होता है ना, उसके लिए ये लिया है। इसे ऐसे काट देना है, फिर जब ये सूख जाए ना, फिर ना मसाला डाल देना है। और फिर उसके बाद सुबह तो हमारी अचार बनाते बनाते ही निकल गई। फिर दिन के वक्त हमारे घर पे बिजली वाले लोग आए थे, तो पूरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक डे था। हमारे यहाँ थोड़ा सा फ्यूज वगैरह उड़ गया था घर का, मतलब घर का नहीं, सिर्फ टॉयलेट का ही उड़ा था। सो गाइस, आज पता है मेरा वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द हैक्टिक डे था, मतलब उस पूरा दिन एकदम बिजी सा गया। बिजी मतलब वैसे सुबह से काम। पापा जो पेड़ से आम तोड़ के लाए थे ना, उनका हमने से अचार बनाया। अचार बनाना इतनी आसान बात नहीं होती है। अचार बनाने के लिए हमें जो धोना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, काटना पड़ता है, और मतलब उसमें मसाले डालने पड़ते हैं। इतना तीन तरह का, एक हमने खटाई बनाई वो सुखाई, एक हमने ऐसे तेल वाला अचार बनता है छिलके के संग सरौटे वाला वो बनाया, और एक हींग की अचारी जिसमें हींग पड़ती है। तीनों बनाने में ना 3 से 4 घंटे लगते हैं। हमने 3 घंटे में वो पूरा काम किया। तो जी, आपको समझ आ गया होगा हमने पूरा सुबह से लेके क्या किया। आई दिन की बस दिन में आ गए हमारे घर पर बिजली वाले लोग। बिजली वाले लोगों को पता है क्या करना था, मतलब ऐसे बिजली का काम ही करना था, कोई बड़ी बात है नहीं। तो ऐसे घर की सब चीज़ें होती ना, पंखे वंखे लाइट वाइट सब बंद करनी थी, एसी भी बंद हो गया बेचारा। मैंने कहा आराम करने गया, वैसे ही बिजली वाले आ गए। बस ऐसे ही निकला दिन। फिर मम्मी ने कहा थोड़ा सा पढ़ तो लो, फिर पढ़े यहीं पर, अभी किताब रखी है दिखाती हूँ, ये रही बुक, थोड़ा सा ऐसी रीडिंग वीडिंग कर ली जा, थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, उसके बाद हमारा मन किया चलो रिकॉर्डिंग करते हैं। फिर मैं ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसके बाद पता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाली, पता है वो क्या होगी? वो होगा एक चैलेंज। गैस करो क्या होगा? अरे नहीं कर पाए ना, पानी पूरी चैलेंज। पता है ये वाली वीडियो इसके बाद मैं डालूंगी, मतलब अभी वाली, ये वाली मैं बना रही हूँ, इसे एडिट करूँगी, फिर तुरंत इस वाले चैलेंज को मैं रिकॉर्ड करूँगी। एकदम मज़ा आएगा पानी पूरी चैलेंज में। इस पानी पूरी चैलेंज में ना ट्विस्ट है, ट्विस्ट से जानना है, चलो बता देती हूँ। अगर जो जिसने कम गोलगप्पे खाया उसे एक टास्क करना पड़ेगा। टास्क तो मैं तब बताऊंगी जब आप वो वाली वीडियो देखोगे। वो टास्क हमें भी नहीं पता, वो चिट्स में होंगे, वो चिट्स हम खोलेंगे, फिर हमें वो टास्क करना होगा। अगर हम कुछ अटपटा नहीं करते तो आप लोगों को देखने में मज़ा आता है, तो अटपटे से वो होंगे। सब कुछ मैं बता देता हूँ। हमें ऐसे बाहर जाके ऐसे मेकअप करना होगा, ऐसे छत पे नाचना होगा, ऐसे रैंप वो करनी होगी, या कुछ भी ऐसे डेयर वेयर करनी होगी। ओके, अब हम करने वाले हैं पानी पूरी चैलेंज। तो गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, मैंने अपना इंस्टाग्राम भी खोला है। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहाँ लगा दूँगी और उसकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूँगी। और मैंने एक और अपना चैनल खोला, उसका मैं प्रांजल क्रिएशन, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्रांजल आप सबसे हाय कर रहे हैं, इनके चैनल पर करना है सब्सक्राइब करना है। तो गाइस, एक और बात बतानी है, मेरे MX टकाटक पर 1000 फॉलोअर्स हो गए हैं, तो जल में लगा दूंगी। और मेरे 2000 होने वाले हैं, तो आप उस पर 2000 हो जाएं, तो आप उसमें मेरे को वहाँ पे फॉलो कर दें। मेरे अभी 2000 हुए नहीं है, होने वाले हैं, तो आप लोग सहयोग करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MX टकाटक की भी लिंक डाल दूंगी, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लेना और मेरी वीडियोज देखना और कमेंट भी करना। और एक ज़रूरी बात, हम इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग रील्स बनाते हैं, जिससे अभी पानी पानी गाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ, तो हमने उस पर भी रील्स बनाई। बाय बाय।